ओम शांति। सबसे पहले तो आज इस शताब्दी कहें या सहस्राब्दी कहें के प्रथम दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। साल के शुरू में ही ये पहली मुलाकात है और आप सब दिव्य विभूतियों के दर्शन हुए, दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। मन बहुत गदगद हो रहा है। अभी अभी जब मैं यहां आके बैठा तो एक गीत बजना शुरू हुआ। ये गीत कई दफा पहले भी सुना है, सुनते रहते हैं प्राय, आपने भी बहुत दफा सुना है। जब कभी मैं इस गीत को सुनता हूं तो बाबा के साथ जो दिन बीते साकार रूप में जो संस्मरण है उनमें से कुछ ना कुछ नए संस्मरण मेरे मन में उभर आते हैं। साथ साथ इसके कोई नए अर्थ सामने आते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद् गीता का जिन लोगों ने अर्थ किया है, उस पर भाष्य लिखे हैं या टीकाएं लिखी हैं, तो प्राय मैंने देखा है कि सभी ने भूमिका में यही कहा है कि जब कभी हम श्रीमद् भगवद् गीता को पढ़ते हैं तो नया अर्थ बोध होता है, नई नई बातें हमारी समझ में आती हैं। ऐसे ही ये गीत भी मेरे लिए है। जब कभी ये गीत सुनता हूं तो किसी एक शब्द पर अगर स्ट्रेस डाला जाए, दूसरे शब्द गौण हो और अगली दफा किसी और शब्द पर विशेष बल दिया जाए, तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव और अर्थ सामने आते हैं। तो ये तो एक अलग विषय हो गया, आज मैं इसको नहीं लेके बैठा। ये तो जो गीत बजा उसकी तरफ मैंने कहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं इस संदर्भ में कि आज जब ये गीत सुन रहा था तो ये जो बोल है भगवान हमारा साथी है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं कि उसके साथ हमारा साथ है तो भगवान का साथ किनके साथ हो सकता है। कौन है जो इस प्रकार के सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का साथ रहें। कोई नियम मर्यादाएं कुछ कंडीशंस वो अपने जीवन में फॉलो करते होंगे जिससे वो डिजर्व करते हैं कि भगवान भी उनके साथ देता है और उनको भगवान के साथ का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में जिनकी भी हम कविताएं या गीत पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो प्राय यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चट्टाने हैं, तूफान हैं, बहता जा रहा हूं, डूबता जा रहा हूं। ये जो माया है, विकार हैं, इनके भंवर में फंसा हुआ हूं, मैं इसे निकल नहीं पा रहा, आप मुझे इससे निकालो। तो एक निराशा का वो भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि उम्मीद खो चुके हों कि इस माया को पार करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि इंसान के लिए असंभव है जब तक के ईश्वर का साथ ना मिले। तो हम जब ये गीत सुनते हैं
कि भगवान हमारा साथी है, तो सबसे पहला प्रभाव जो हमारे मन पर पड़ता है, मैं समझता हूं सभी के मन पर पड़ता होगा, वो ये है कि सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान जो ज्ञान का सागर है उसका साथ हमें मिला है तो मन को सांत्वना होती है, एक तसल्ली आती है, हिम्मत आती है, और हिम्मत के बिना कोई बड़ा कार्य होता नहीं है। तो माया से टक्कर लेने या उस पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जो साधन हमें चाहिए वो है हमारे मन में ये विश्वास होना, ये अनुभव होना कि भगवान हमारे साथ है, वो साथी के जो कर्तव्य हैं वो निभाएगा और हमारा बेड़ा पार करेगा, हमारा कल्याण करेगा। अब हम इस भवसागर से तर जाएंगे तो मन के जीते जीत है, जैसे कहा गया है। जब मनुष्य के मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अब जीत प्राप्त कर लूंगा, हाफ द बैटल इज वन, आधा युद्ध तो उसने जीत लिया। क्योंकि निराशा जो है, किसी के पास अस्त्र शास्त्र हो भी सही, लेकिन अगर वो मन उसका हार चुका हो तो उसकी हार निश्चित है। और ये जो बोल है कि भगवान हमारा साथी है, ये हमारी हिम्मत बंधाता है, हमारे मन में एक उत्साह मांग आता है कि लो भाई अब हम इस दुख और अशांति के महासागर से पार उतर जाएंगे। क्योंकि भगवान जो खेवनहार है, जो एक समर्थ हमारा मार्ग प्रदर्शन कर सके, वो हमारा साथी है, तो अब ये पार हो जाएंगे। तो ये भाव भी इस गीत को सुनने से आता है। तो मैं पहले भी कह रहा था कि गीत का प्रसंग तो मैंने इसलिए लिया कि ये गीत बज रहा था। मैंने सोचा कि क्या क्लास कराऊं, कुछ समय नहीं मिला जिस पर कुछ विचार कर सकूं। फिर यही ख्याल आया कि बाबा की जो कल अव्यक्त वाणी हमने सुनी, मैंने वो बाद में पढ़ी थी, क्योंकि पहले जब यहाँ बैठा था मेरे कानों में कुछ दिक्कत की वजह से, मुझे दादी जी ने कहा था तुम यहाँ से उठ जाना जब मुरली शुरू हो, तो दादी जानकी का कमरा है वहाँ जाकर सुनना, वहाँ ठीक सुनाई देता है। तो वहाँ चला गया था, फिर उन्होंने कहा था जब बाबा मिलना शुरू करें फिर लौट आना, ऐसा ही मैंने किया था, तो काफी हद तक सुन सका, फिर उसको पढ़ा भी सही, तो उसमें बहुत आनंद आया, बहुत हर्ष प्राप्त हुआ, बाबा के हर एक बोल में बड़ी गहराई है। तो उन सबको अगर हम लें तो वो तो कई दिन लगातार क्लासेस हो सकती हैं, सीरीज ऑफ क्लासेस। लेकिन एक बात को आज मैं थोड़ा सा लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा समय भी आपका क्लास नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो मनन चिंतन किया है आपके साथ मिलके फिर करता हूं, उसको शेयर करता हूं। उसमें एक बात जिसकी ओर मेरा विशेष ध्यान गया वो ये था, बाबा ने परिवर्तन के लिए तो कहा ही कि ये जो नया वर्ष आ रहा है इसमें हमें परिवर्तित होना है, हमेशा बाबा इस बात पर जोर तो देते ही हैं। लेकिन एक रिमार्केबल बात, नोटवर्दी बात जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो है तो सरल, उसकी जो मिसाल बाबा ने दी वो आम है, लेकिन बाबा की यही विशेषता है कि वो साधारण बात को भी बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। बाबा ने मिसाल दी प्लेट की, स्लेट की, कागज की, कि उस पर कुछ लिखा हुआ हो, अगर उसको पूरा मिटाया ना जाए, फिर उस पर कोई अच्छी बात भी आप लिखना चाहें तो ठीक तरह से पढ़ने में नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा। तो परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन भी क्यों नहीं होता,
जब तक कारण का निवारण नहीं करोगे तब तक ये स्वाभाविक बात है कि समस्या का समाधान नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो प्रश्न ये उपस्थित हमारे सामने है कि परिवर्तन क्यों नहीं होता। परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी क्यों हो गई है, उसकी रफ्तार कम क्यों है। इतना पुरुषार्थ हम सब लोग करते हैं फिर भी जैसा हमको बाबा बनाना चाहते हैं हम बन नहीं रहे, उसका मुख्य कारण क्या है, क्या करना चाहिए हमें। जरूर कोई कमी रही हुई है, कोई मार्जिन है जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया और उस कारण को निवारण नहीं किया। इसलिए जो हमें फरिश्ता बनना चाहिए, अव्यक्त स्थिति धारण करनी चाहिए या जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाना चाहिए, वो नहीं ला पा रहे। तो बाबा ने एक बात पर अंगुली रखी, इशारा किया कि समाने की शक्ति कम है, समाने की और मिटाने की, इसको मिटाओ। जो ये स्लेट पर, प्लेट पर या कागज पर जो लिखा हुआ होता है उसको पूरी तरह से रब ऑफ करो, मिटाओ। अब ये बहुत बड़ी बात है, कहने को एक आसान बात है मिटा देना। संसार में तो कोई चीज कागज पर पेंसिल से लिखी हो तो हम रबड़ लेके मिटा देते हैं, और साधन होते हैं जिससे किसी चीज को मिटाया जा सकता है। लेकिन ये मन ऐसा है, ये प्लेट और स्लेट और कागज की तरह से तो है बाबा ने कहा, लेकिन आश्चर्यवत है क्योंकि इस पर कुछ लिखा जाता है तो इतना गहरा चला जाता है कि उसको फिर मिटाना आसान नहीं होता है, भुलाना इजी नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी बचपन की बातें भी याद आ जाती हैं, जागृत अवस्था में याद नहीं आएंगी तो स्वप्न अवस्था में याद आ जाती है, कई वर्ष से भूली हुई होंगी, बाबा ने भी कहा कि फिर अचानक से याद आ जाती है। तो क्या है इस मन का स्वरूप, चीज कहाँ होती है कि अचानक से निकल आती है। और देखने में तो मन अणु है, परमाणु के समान है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा की ही एक विशेषता का नाम है, लेकिन गहराई कितनी है उसमें, विशालता कितनी है, वो महानता भी उसमें कितनी हो सकती है। लेकिन किसी चीज को जब वो धारण करता है उसको लग जाती है, खुब जाती है, उसमें एकदम जाके सेट हो जाती है, बैठ जाती है, फिर आप बहुत कोशिश कर लीजिए उसका निकालना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में एक बात ठुस गई उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कांटा किसी को चुभ जाए आप निकाल सकते हैं, आजकल सर्जरी में किसी को बंदूक की गोली लग जाए वो भी निकाल लेते हैं, बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, साधन ऐसे विज्ञान ने बना दिए हैं। लेकिन ये साधन ऐसा बने कोई सहज कि मन में कोई चीज किसी को लग गई, जैसे कहते हैं कि तलवार के घाव तो मिट जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव नहीं भरते, ताजा रहते हैं। कहाँ लगता है जबान का घाव, कितना गहरा होता है, भरता क्यों नहीं है। यही तो एक अद्भुत है जिसको बाबा कहते हैं आश्चर्यवत है, ये आत्मा आश्चर्य की न्यायी है। गीता में भी है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम इत्यादि, इसको लोग जो हैं आश्चर्य की न्यायी देखते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है काबू में आता नहीं है। यह सारी चर्चा मन की है, मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है, कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। तो ये इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है ये क्या है। तो ये भी एक बहुत लंबा विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षेप में
मिटाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे मिटना संभव हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक तो यह है कि किसी चीज को भूलने के लिए आप अगर क्षमा कर देते हैं, दया करते हैं, क्षमा और दया ये मन के ऐसे भाव हैं जिससे आप किसी की बुराई को भूल जाएंगे। उसने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्नाम दिए, अपमानित किया या जो कुछ भी अनिष्ट कर्म किया, उसको अगर आप भुलाना चाहते हैं, जो आपको पिंच कर रहा है बार बार, जैसे आंख में कंकड़ चला जाए तो लगता रहता है, चुभता रहता है, तो कैसे उसको निकाला जाता है। इसकी परतों के परतों के परतों के बीच में ये घुसा हुआ होता है, लेकिन अगर ये दया और क्षमा का भाव आ जाए, बहुत महत्व है गीता में भी इस पर। जैन लोग एक विशेष दिन मनाते हैं जब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं दिल को हल्का करने के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है। सारे धर्म ग्रंथों में, सभी विशेष धर्मों में यही कहा गया है, तू क्षमा कर, भगवान तुझे क्षमा करेंगे। अरे भगवान दया किस पर करते हैं? जो दूसरों पर दया करता है। जो दया ही नहीं करता है किसी के ऊपर, तो वो डिजर्व नहीं करता है कि उस पर कोई दया करे, क्योंकि उसने तो बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, दूसरों पर निर्दयता से व्यवहार किया, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। तो दया करना, क्षमा करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं forgive and forget। forget करने का तरीका एक ये है कि forgive करो, माफ कर दो। बात को, झंझट को खत्म करने का तरीका भी यही है, हाथ जोड़ के कह दो, अच्छा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। एक माफी मांगने से, जैसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस एक वर्ष में हुई थी हारमनी पर, तो दादी जी ने कहा था हार मानी और हारमनी हो जाती है, आपस में मेल मिलाप हो जाता है अगर कोई दोनों में से एक हार मान जाता है। हार मान ली फिर जिद किस बात की, झगड़ा किस बात का, जब हम झुक गए तो। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई बात बार बार खटके नहीं हमारे मन में, चुभे नहीं, चुभन ना होती रहे, तो उसका एक तरीका तो ये है कि फॉरगिव करो जो आपके कनेक्शन में आते हैं। एक तरीका तो ये है, आप औरों से वर्णन करते रहो, ये आदमी कितना निकृष्ट है, कितना दुष्ट है, कैसा व्यवहार करता है, ईशान फरामोश है, इसके साथ हमने क्या किया और अब इसने कैसे आंखें फेर दी, इत्यादि इत्यादि। उसको बढ़ा चढ़ा के पुराण बना दो बात का, पलंदे बनाते जाओ उसके। एक तरीका तो ये है, विस्तार करते जाओ। और एक ये है कि मिटाओ, खत्म करो, क्या रखा है इसमें, प्राप्ति क्या है, इट इज मेयरली वेस्ट ऑफ टाइम। और अपने मन को दुखी करना है, दुख का समय अपना बढ़ाना है। अगर चाहते हो कि दुख ना लें, दुख ना दें, तो तरीका यही है, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगी। भोलापन जो है वो उसका एक लक्षण ये है। भोलेपन के कई लक्षण होते हैं, उसमें भोलापन का एक लक्षण भोला वो होता है, माफ कर दो, छुट्टी हुई। जो जल्दी से दूसरे को मन से भुला देता है, अच्छा किया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, तो वो भी भोला कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है इसने क्या गलती की है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर का बना हुआ है, उसको अपमान महसूस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में जो लूटी गई किसी के द्वारा, लेकिन उसका तरीका ये है, एटीट्यूड ये है, अप्रोच लाइफ में ये है कि वो कहता है जाने दो, माफ करो। तो माफ करो, क्षमा करो, फॉरगिव करो, तो उसे फॉरगेट होगा,
भूलने का एक तरीका ये है। दूसरी बात यह होती है डाइवर्शन, जिसको कहा जाता है कि मन को इधर की बजाय दूसरी तरफ लगा देना। एक तरीका जो संसार के लोग अपनाते हैं, जिसमें वो दुखी होते हैं, दुख पाते हैं, वो तो ये है कि जिसने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया उसी की तरफ बार बार ध्यान देते हैं। मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत तंग किया है, सारी उम्र मुझे परेशान किया है, ऐसे करते रहेंगे, कहते रहेंगे, बार बार उनको याद आएगी कि ये आदमी तो बहुत ही अजीब किस्म का है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है हमें। तो जिसको बार बार याद आएगी वो याद तो ताजा होगी, पक्की होगी, फिर वो भूलेगी कैसे? वो भूलने का अपोजिट तरीका है। भूलने की बजाय याद करना होता है किसी चीज को, तो दोहराना होता है, बार बार रिकैपिटुलेट करना होता है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कोई भी विद्या, तो बार बार जब उनसे पुनरावृत्ति कराई जाती है, दोहराया जाता है, तब उनको याद होता है, स्मृति पक्की होती है, कम भूलता है। जो टेलीफोन नंबर आपको मालूम है, अगर बार बार आपको करना पड़ता है किसी काम से, फिर आपको जबानी याद हो जाएगा। और अगर कभी आज आपने किया और एक साल नहीं किया तो शक रहेगा या भूल जाएगा। तो ऐसा होता है कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो, अपने जो अटेंशन है, ध्यान है, उस ध्यान को वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफी टाइम तक चला जाता है तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है। कोई व्यक्ति है, उसने टाइप करना सीखा और उसको 25-50 वर्ष तक जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी तरफ ध्यान चला गया और काम में लग गया। अब उसको अटेंशन ना रहने से वो भूल जाएगा, वो आर्ट जो होगा, वो कला जो सीखी होगी, उसमें फर्क पड़ जाएगा। मेमोरीज फेड कर जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, जब उनमें समय गुजरता है या जब उनको रिपीट नहीं किया जाता है या उनसे ध्यान खींच के दूसरी तरफ लगाया जाता है। हमारे योग का ये एक फायदा होता है कि हम जब शिव बाबा की तरफ ध्यान लगाते हैं संसार से हटाकर, तो जो हमारी आदत पड़ी हुई थी बार बार सारा दिन संसार और देहधारियों को, देह की बातों को याद करना, तो उससे कैसे हटाया जाए? कोई तरीका नहीं था। और अगर उससे हटाया ना जाए तो सुख शांति मिलेगी कैसे? क्योंकि ये तो हिसाब किताब की दुनिया है, हर एक ने हर एक को दुख दे और ले रखा है। तो इसलिए याद करो, याद करो, शिव बाबा को याद करो। याद करो माना अटेंशन को डाइवर्ट करो, जो बेस्ट तरफ है उधर लगाओ, और जो तंग करने वाली दुनिया है आपको, जिससे परेशान हो, उससे मन को हटा दो। हटाओगे कैसे? जब दूसरी तरफ लगाओगे। तो अटेंशन को डाइवर्ट करो, जब ऐसा करेंगे तब वो पिछली बातें भूलेंगी। उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन डाइवर्ट कैसे की जाए, तो बाबा ने कहा अपनी तरफ अपनी चेकिंग करो। अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी चेकिंग करेगा, जो बाह्य मुखी होगा वो दूसरों की चेकिंग करेगा, नोट करता रहेगा ये कैसा टेढ़ा आदमी है, बात कैसी गलत करता है, इसका तरीका ठीक नहीं है, ये आदमी ही ठीक नहीं है, उसकी चेकिंग करता रहेगा। तो जो दूसरे की चेकिंग करता रहेगा, खुद ही कांटों का ताज पहनता रहेगा, अपने को कांटे चबोता रहेगा। तो उससे हटे कैसे मन, जो आदत पड़ चुकी है उसको, उससे कैसे हटाए, डाइवर्शन कैसे करे? उसका तरीका यही है
कि इंट्रोवर्शन करो, बजाय एक्स्ट्रोवर्शन के इंट्रोवर्शन करो, ये डाइवर्शन है। बाह्य मुक्ता की बजाय अंतर्मुक्ता करो, अपनी चेकिंग करो, बजाय दूसरे की नुक्ताचीनी करने के, उसके दोषान्वेषण करने के, उसकी बुराई को देखने के, बार बार उस तरफ ध्यान देने के, अपनी तरफ ध्यान दो ताकि अपनी इंप्रूवमेंट करो। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी चेकिंग करो, ये जरूरी है। कई दफा बाबा ने कहा है, तो हर एक चीज में कई कारण होते हैं और वो प्रोसेस जो है वो लाभकारी हमारे लिए कई तरह से होता है। तो चेकिंग करने का एक लाभ तो ये है कि जो हमारी कमी होगी हम उस तरफ ध्यान देके उसको ठीक करेंगे। साथ साथ उसका दूसरा लाभ ये है कि जो मन बार बार दूसरे की तरफ ध्यान देता था उधर से छुट्टी पाएगा और इधर आएगा, और ये उसके लिए फायदेमंद चीज है। तो दूसरा तरीका ये है मिटाने का कि डाइवर्शन करो। जब आप ये आदत छोड़ दोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद जब लोग आपका ध्यान खिंचवाएंगे तो आप कहेंगे अरे भाई जाने दो, छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। तो इतना आपका मन उससे उब जाएगा, हट जाएगा उस डाइवर्शन के अभ्यास से। तो एक स्टेज तो उसमें ये आएगी कि फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद जो है आप कोशिश करके यहाँ होते हुए भी नहीं होंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, कि अपना टाइम वेस्ट करना, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करना, पिछले विकर्म तो दग्ध किए नहीं है और ये हम करते रहे, छिद्रान्वेषण करते रहे, इसका क्या फायदा है। तो ये स्वभाव बन जाएगा हमारा, जैसे अभी नेगेटिव स्वभाव बना हुआ है, वो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव स्वभाव बन जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि हम डाइवर्शन करें। तीसरा जो है, ये सबको मालूम है, हमेशा बाबा ने बहुत दफा बताया है कि हिसाब किताब समझो, हिसाब किताब। लेकिन कल की वाणी में बाबा ने जो समाने की शक्ति कही, तो ऐसा नहीं, संभालो किसी की बुराई को भी मन में समा सकते हैं। समाने की जो बाबा ने कहा कि शक्ति नहीं है, कईयों में मन में बुराई समाने की शक्ति है, बहुत ज्यादा है, कईयों की बुराइयां समा रखी हैं उन्होंने मन में, और जब कहो आपको कंप्यूटर की तरह से सारा चिट्ठा निकाल के दिखा देंगे कि इसमें क्या बुराई है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो समाने की शक्ति नहीं है, कईयों में बहुत विशाल शक्ति है समाने की, लेकिन सब उल्टा समाया हुआ है, गड़बड़ शड़बड़ समाया हुआ है। जो सीवर का पानी है, वेस्टेज का कचड़ा है, वो मन में समाया हुआ है, वो उनका गहरा तो बहुत है जो जगह है जिसमें संभाले वो, लेकिन उल्टा। तो बाबा ने कहा हुआ है समाने से पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, ये आप मुरली पढ़ेंगे तो कल बाबा ने खास ये कहा। जब बाबा ये कह रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि समा तो आदमी उल्टी बात को भी सकता है, तो अगले सेंटेंस में बाबा ने कह दिया के नेगेटिव बात को चेंज करके पॉजिटिव करके फिर समाओ। तो हमने कहा कि बाबा के पास मेरा संकल्प पहुंच गया और ये बाबा ने ठीक कहा है, क्योंकि सिर्फ समाना नहीं है, पॉजिटिव चीज को समाना है, नेगेटिव को तो निकालना है, उसको तो भुलाने की बात हम कह रहे हैं। लेकिन कैसे पॉजिटिव बनाए, ये हिसाब किताब की बात को बहुत दफा हम कहते हैं हिसाब किताब है, लेकिन जब हम कहते हैं हिसाब किताब है तो दुखी मनसा से कहते हैं। जब कोई हमें तंग करता है, परेशान होते हैं, अरे भाई क्या करें, हिसाब किताब है, होगा कोई हमारा इसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, ये बहुत तंग किया है इसने, होगा कोई हिसाब किताब। तो हिसाब किताब की भी जो बात हम कहते हैं वो जरा इस भाव से कहते हैं, दुखी मनसा से, जैसे मुसीबत है। नाम हिसाब किताब शब्द का यूज करते हैं हम, लेकिन वो करते इस विधि से हैं, इस ढंग से हैं, जैसे कि बला है, मुसीबत है,
अब क्या करें, फंस गए उसमें। कोई व्यक्ति फंसा हुआ होता है तो कहता है भाई क्या करें, फंस गए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, हम भी मजबूरी में फंस गए, क्या करें अब। ऐसे कहावत मशहूर है, लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति मजबूरी में दूसरा कार्य कोई करता है। जो कर्ज ले रखा है दोगे नहीं तो जाओगे कहां, या तो जेल में जाओगे या कर्ज दे दो उसको। ऐसा तो हो नहीं सकता इस दुनिया में, ये तो न्याय है, आज नहीं तो कल, ये करना तो पड़ेगा चुकता आपको। तो खुशी खुशी चुकता करो या रो धो कर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हिसाब किताब है, ये भी हो सकता है। कई व्यक्ति हमारे यहाँ तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, और उनकी जो व्याधि होती है वो ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर लेकिन खुश रहते हैं, चेहरे पर उनके कोई मायूसी या उदासी या दुख नहीं होता। कहते हैं जी ये आखिरी हिसाब किताब है, ये इसको तय कर, फाइन फिनिश तो करना ही है। हर एक के सामने हिसाब किताब तो आता है, और कई रोते चिल्लाते हैं। तो हिसाब किताब तो ख्याल रखो, लेकिन हिसाब किताब को विद ए गुड इंटेंशन, विद ए हैप्पी फीलिंग कि चलो ये कर्ज हमारे सिर से उतरा, चुकता हुआ, इतना तो चुकता हुआ, आगे फिर अगर और बनता होगा तो और देंगे, तो ये तो निकला कम से कम। तो उसके लिए जो फीलिंग हो वो रिलीफ की हो, समथिंग गुड हैज हैपेंड, बजाय इसके कि हम ये समझें ये क्या इसने तंग किया हुआ है, लाइक दैट। तो यही परीक्षाएं हमारे जीवन में हैं, सुनते समझते हुए सुनते हुए भी फिर हमारी फीलिंग जो पॉजिटिव हो, सिर्फ थिंकिंग पॉजिटिव नहीं, फीलिंग पॉजिटिव वो भी चाहिए। थिंकिंग पॉजिटिव कईयों की होती है कई बातों में, हिसाब किताब की बात कहते हैं तो ये थिंकिंग तो पॉजिटिव है, फीलिंग पॉजिटिव नहीं है। ये ऐड कर लो साथ में कि सिर्फ थिंकिंग नहीं, फीलिंग भी पॉजिटिव हो, तब वो बात होती है। तो तीसरा ये मिटाने का तरीका ये है कि ये सोचो हिसाब किताब था, चुकता हुआ, चलो जो हिसाब किताब सेटल हो गया, रजिस्टर खत्म हो गया, लेन देन समाप्त हो गया, उसको करो एक तरफ, वो धंधा खत्म हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। तो कोई चीज खत्म हो जाती है, अब रहती नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं, तो लोग क्या कहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, कि अब इसको भूल जाओ। अरे भाई वो तो पहली बात थी, वो तो लेन देन हो गया, सेटलमेंट हो गया, बात खत्म हो गई, उस बात को आप उठाने की जरूरत क्या है, दैट इज सेटल्ड, खत्म हो गई। तो भुलाने का एक तरीका यही है, ये सोचो कि हिसाब किताब था, खत्म हो गया, निपट गया, वी आर हैप्पी, वी आर रिलीव्ड, हमको राहत मिली, हम खुश हैं, ये बला सिर से उतरी, हिसाब किताब समाप्त हुआ। इसके अलावा ये होता है, दुनिया में बहुत बातें हम देखते हैं सुनते हैं, हमें उनके बारे में समाचार सूचना इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जिस चीज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं उसको हम एक तरफ कर देते हैं। अरे भाई हमारा क्या कनेक्शन, इतनी सारी बातें हैं दुनिया में, किस किस व्यक्ति की तरफ ध्यान देंगे, किस किस बात की तरफ ध्यान देंगे। तो मनुष्य का जो मन है वो सिलेक्टिव है, इतना समझ तो रखता है कि हर एक बात को नहीं अपने में भरना चाहता, सिलेक्शन गलत हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन होती तो है, बिना सिलेक्शन के मन काम नहीं करता है। किस बात को याद रखता है, किस बात को भूल जाता है, कैपेसिटी तो दोनों है, जो याद भी रखता है बहुत सारी बातों को और भूल भी जाता है। इसका मतलब यह है कि भूल जाता है और याद रखता है, तो इसके पीछे कोई तो एक नियम होगा, क्यों किसी बात को याद रखता है, क्यों किसी दूसरी बात को भूल जाता है, इसका कारण क्या है। जिस चीज से कोई मतलब मतालब नहीं, कोई हमारा कनेक्शन नहीं, लेना देना नहीं, उसे काहे को बैठ के सोचना, हमारा वास्ता ही क्या है,
तो एक तरीका ये होता है कि जब हम किसी बारे में समझते सुनते हैं, कोई आदमी आपको सुनाता है कोई बात, लंबा विस्तार करता जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है हमारे कनेक्शन की तो बात नहीं, क्यों हमें सुना रहा है, तो आपने देखा होगा वो सुनते हुए भी आपका मन और तरफ चला जाता है, आउट ऑफ कर्टसी, चाहे आप उसको ना कह पाए भाई बंद करो क्या फायदा, आप चुप करके सुनते रहते हैं मजबूरी से, लेकिन अंदर में आप ध्यान नहीं देते, आप कहते हैं हमारा कनेक्शन ही नहीं, हमारा लेना देना नहीं, हमारा इससे कोई नफा नुकसान नहीं, हम काहे को इस चीज में पड़े, इन्वॉल्व क्यों हो इसमें। तो भूलने का एक तरीका यह है कि जब आप ये समझेंगे कि जो आदमी जो काम कर रहा है उल्टा या सुलटा, उसके कर्म उसके साथ हैं, उसके कर्म उसके साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं, हर एक का अपना अपना करना करनी भरनी है, तो वो हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसकी बातों को ज्यादा क्यों खींचातानी करते हैं उठाते हैं, जब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। बहुत लोगों का ऐसा होता है, गवर्नमेंट को मान लो या किसी और को, ए बी सी को करते हैं हम क्रिटिसाइज या इस तरह की बातें करते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन होता नहीं, तो कई इस किस्म की जो बातें हैं जिनसे हमारा कनेक्शन ना हो उनको एक नावल की तरह से बैठ के सुनना, इंटरेस्ट लेना उसमें और फिर उन बातों को याद रखना, फिर समय पर उनको अप्लाई करना उल्टे उल्टी नॉलेज को, तो आज व्यक्तियों का व्यवहार जो बदला हुआ है उसका मुख्य कारण यह है कि रेडियो में, टीवी में, समाचार पत्रों में और अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने दफ्तर के साथियों से फालतू बातें बैठ के सुनते हैं और वो ऐसी निकम्मी बातें होती हैं, नुकसानदेह बातें होती हैं, मन को खराब करने वाली, पॉल्यूट करने वाली बातें होती हैं, जिससे वास्तव में हमारा कोई कनेक्शन नहीं, एब्सोल्युटली वी आर नॉट कंसर्न्ड, उससे क्यों हम अपना वो खराब करें, उसको मन में डालते जाते हैं, कोई बात जच जाती है कि बात ठीक कह रहा है, वो फिर याद रहती है, और याद रखिए कि जो बात मन में याद रहती है वो कभी काम भी आती है, फिर ये मन ऐसा जो मैंने कहा सिलेक्टिव है, उस बात को उसने याद रख लिया तो मन तो बड़ा एक गहराई से करता है सब काम, तो उसको ये कुछ है कि ये वक्त पर बात काम आ सकती है, और वो अपने व्यवहार में उस निकृष्ट तरीके को कभी ना कभी काम में ले आता है, जैसे उसने किया था मैं भी ऐसे ही काम निकालूं, इस तरीके से करूं, गलत कॉपी करता है। तो गलत कॉपी क्यों करता है, क्योंकि जिन चीजों से कनेक्शन नहीं था उसको सुनता रहा, उल्टी बातों को पढ़ता रहा और उसकी तरफ ध्यान देता रहा, और नतीजा ये हुआ कि उसमें से कुछ बातें याद रख ली, वो मन में ठीक लग गई, वो याद की हुई बातें जो हैं वो काम में आई, आज नुकसान किया उसने, ताला कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, किसी ने बताया चोर आए थे और ये ऐसा था वैसा था, सारी डिटेल में बैठ के सुनी और नतीजा ये हुआ कि एक दफा खुद भी ताला खोल बैठे, किसी का तोड़ना शुरू कर दिया कि देखें ऐसे खुलता है, टूटता है, दिमाग खराब हो गया, नतीजा क्या हुआ। तो जिस चीज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, उन बातों को जो सुन भी लिया, अगर हमने किसी ने हमें बता भी दी, हमने कहीं पढ़ भी ली, दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी लोग हमारे कानों में डाल देते हैं, क्या करें, इस संसार में हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं तो वो अपनी अपनी मारते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हमें ये सोच कर कि ये हमारे लिए निकम्मी बातें हैं, वी हैव एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद इट, हम ऐसा अगर एटीट्यूड अपनाएंगे तब हम उसको भूलने की प्रक्रिया को कर सकेंगे, ये ख्याल रखना चाहिए। एक बात जो बाबा ने कल की मुरली में कही, चार बातें बाबा ने बताई थी कि चार बातें मैं फिर से रिवाइज करता हूं, ऐसे तो बच्चों को पहले बताई हुई है फिर बताता हूं।
उनमें से एक दो बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये मिटाने के काम के लिए और समाने के काम के लिए बहुत सहायक है, लाभदायक है। एक तो है शुभ चिंतक। किसी के प्रति अगर हम शुभ चिंतक हैं, उसने उल्टा काम किया, तो बजाय इसके कि हम उसमें कुरेदते रहें उसको, तो उसके प्रति अगर हमारा एटीट्यूड इस तरह का होगा तो संभालेंगे पॉजिटिव बनाकर, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर। इसकी सद्बुद्धि मिले, बाबा इसकी मदद करे, हैं इसकी बुद्धि का ताला खुले, हमारे मन में शुभ भावना हो कि ये अच्छा बन जाए, बाबा ये भी हमारा भाई है, इसको कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट लग जाए जिससे ये भी ठीक चल पड़े, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये क्षमा करने जैसी चीज है, उससे मिलता जुलता एक उपाय है। लेकिन कई मौकों पर यही इस्तेमाल होता है, क्षमा की बात हर एक पर नहीं लागू होती हर परिस्थिति में। तो शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, ये दो बातें कल बाबा ने कही, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, ये दोनों अगर हमारे होंगे तो ये बातें ठहरेंगी नहीं। जैसे पानी पर लकीर खींचो, आगे आगे खींचते जाओ, मिटती जाएगी साथ के साथ, वो पानी पर टिकेगी नहीं। किसी और चीज पर कोई लकीर खींचो तो लग जाएगी, पानी की तह पर अगर, सतह पर, उसके ऊपर के स्तर पर अगर आप कोई रेखा खींचो, अंकित करो, टिकेगी नहीं। इसी तरह से अगर आप शुभ चिंतक होंगे और शुभ चिंतन करेंगे तो ये मन में प्रभु जी मोहे अवगुण चेतना धरो जैसे लोग कहते हैं, तो फिर दूसरों के अवगुण हमारे चित्त पर ठहरेंगे नहीं, वो साथ के साथ ही भूलते जाएंगे, आगे उनको भूलने का पुरुषार्थ करने की फिर जरूरत नहीं। और फिर एक बाबा ने जो कहा, जो हमारा एक परमानेंट फार्मूला है, हर एक तरफ काम आता है, टोटल पुरुषार्थ में ये तो निश्चित रूप से आता ही आता है कि ईश्वरी स्मृति, ईश्वरी स्मृति से ही परिवर्तन आएगा, समाने की शक्ति आएगी और साथ साथ मिटाने की शक्ति आएगी। क्योंकि जैसे आप टेप रिकॉर्डर में कोई चीज भरी हुई हो, उसके बाद जब दूसरी चीज भरना शुरू करते हैं तो दूसरी भरती जाती है, पिछली मिटती जाती है, स्वतः ही ऐसी प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब आप शिव बाबा को, उनके ईश्वरी गुणों को, उनके ईश्वरी कर्तव्यों को, उनके साथ अपने ईश्वरी संबंधों को याद करेंगे, तो फिर बाकी जो सारी बातें हैं नेगेटिव, वो समाप्त होती जाएंगी, वो मिटती जाएंगी। मिटाने का ये तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है। इनको अगर हम धारण करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ मिटाने का और समाने का सफल होगा। ओम शांति।